ये जो कि हर सुबह हमें ज्वाइन करते हैं, तमाम बहन भाइयों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। हमें ज्वाइन किया है भाई स्लिम दिल साहब ने, ईस्ट लंदन से, और होलसेल से हमारे साथ हैं रेवरेंड डेविड साहब। भाई साहब थैंक यू सो मच आप भाई का, आप सबका। सोनिया अगस्टिन हमारे साथ हैं, वो अजहर चांद चुटिंग से में ज्वाइन किया है। मैं हमेशा जैसे आपसे ये कहता हूँ कि भाई बात यह है कि ये तो टीम वर्क है और हम सबको मिलकर इस काम को करना है, तो आप जरूर इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। और इसके साथ साथ जो यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट हम करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल, उसको आप जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा आने वाली वीडियोज जो है वो आपके साथ बांट सकें। हमें ज्वाइन किया प्यारी बहन स्टेला बाबर ने वॉलसल से, हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। रेगुलर हमारे कॉन्ट्रीब्यूटर हैं ये, और अब से नहीं 2003 से जब से मैंने रेडियो को शुरू किया, उसके बाद टेलीविजन, और अब इस चैनल पे ये सब बहन भाई हमारा साथ देते हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया खुदावन के जो वादे हैं, हमने पुराने अहदनामे में जो खुदा के वादे हैं उन पर गौर किया, और उसके बाद हम नए अहदनामा में जो यीशु ने जो वादे हमारे साथ किए उन पर हम इन दिनों गौर कर रहे हैं। आज हम एक खास जो वादा है खुदावन का, और जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट प्रॉमिस है, उस पर हम वादे तो सारे खुदावन के बड़े ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये जो वादा है इसका हमारी रूहानी जिंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो आज हम इस वादे पे बात करने को हैं, लेकिन एज यूजल आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज प्लीज टेक योर बाइबल एंड नोटबुक, मत इग्नोर किया करें इस बात को, और आप यकीनन इस बात से बरकत पाएंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकदस नहीं है तो आप जरूर हमसे रब्ता करें, हम खुदा का पाक कलाम आपके लिए मुहैया करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो आजकल इंटरनेट पे भी बाइबल मुकदस जो है वो मौजूद है, आपको जिस जुबान में भी बाइबल चाहिए हो आप वहां से इसको रीड कर सकते हैं। तो आज हम खुदावन के एक बड़े ही खूबसूरत वादे पे बात करने को है, वो है कि हमारी दुआओं का जवाब देने का, जो खुदावन ने वादा किया है मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा, ये बहुत जरूरी बात है। तो आइए हम इसके बारे में आज सीखते हैं। खुदावन का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम खोलिए, और यूहन्ना का अंजील बयान उसका 15वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर तो 7 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे, पेज 100 पर उर्दू की बाइबल में। और बड़ी अच्छी बात है अगर आप आज मेरी बात को मान रहे हैं और बाइबल मुकद्दस को आप लेने के लिए उठे हैं, आई कैन फील दैट, तो खुदा आपको बरकत दे। तो ऐसे ही आप जरूर खुदा के हुक्म की ताबे फरमाने किया करें। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं, और जॉन चैप्टर 15 खुदा का जिंदा खूबसूरत पाक कलाम सुनिए। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और मेरा बाप बागबान है, जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाको, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में, जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा कर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता, अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन के जिंदा खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। आइए हम खुदावन के जुड़ झुकें और उससे दुआ मांगें, खुदावन का शुक्र करें कि वो अपने वादे में सच्चा और बरहक है। Gracious God, Almighty God, we give you thanks and praise
Because you are worthy of all the thanks and praises. We give you thanks for your precious word. Almighty God, we come to you. We are ready to receive such wonderful message. Heavenly Father, loving God, we give you thanks for your Spirit, your Holy Spirit. Heavenly Father, lead us, guide us, inspire us by the power of your Holy Spirit, that we may understand your wisdom, your revelation, your inspirational word of God. Heavenly Father, bless your people. मदद कीजिए, रहनुमाई फरमाइए, हमारी अकलों को रोशन कीजिए, कलाम के गहरे भेदों पर मुनकशिफ कीजिए। हम अपनी कमजोरियों का, अपनी गलतियों का, अपनी कमाईगी का इकरार करते हैं। आपके कलाम को सीखने के लिए, आपकी हिकमत और दानिश पर भरोसा करते हुए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए तैयार हैं, इल्तमास करते हैं, हमें बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम में, आमीन, हालेलुया। I've been in ministry for a long time, nearly 37 years. एक बात जो मैंने एक महसूस की है, तजर्बा किया है, जब भी लोग दुआ करते हैं, अगर उसमें डिले हो जाए, देर हो जाए, दुआ का जवाब ना मिल रहा हो, लोग परेशान हो जाते हैं, गिला करते हैं। बहुत सारे लोग दुआ करना छोड़ देते हैं। एक बहुत बड़ा अलमिया है, ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ फेथ, ड्यू टू द लैक ऑफ पेशेंस, वी आर हैविंग सच प्रॉब्लम। समटाइम वी आर नॉट बिकमिंग परसिस्टेंट। हम मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा नहीं करते। यीशु का जो ये वादा है कि मैं तुम्हारी दुआओं का जवाब दूंगा, योर प्रेयर विल बी आंसर्ड। इससे पहले कि मैं इन बातों को खुदावन के कलाम की रोशनी में आपके साथ और ज्यादा बांटूं, बहुत ही खूबसूरत एक बात जो खुदावन ने मेरे मन में डाली और मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, खुदावन के पाक कलाम को देखिए। मुकाशवा की किताब, उसका 8 बाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको तहरीर कर लीजिए, मार्क कर लीजिए। इट विल गिव यू अ वंडरफुल वंडरफुल करेज, इट विल गिव यू नरिशमेंट, दैट विल बी अ फूड फॉर योर स्पिरिट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फ्रॉम द बुक ऑफ रेवल्यूशन चैप्टर 8 वर्स 3, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर प्रेयर। नेवर एवर ट्राई टू बी डिस्करेज, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर एंड द प्रोमिस ऑफ गॉड। सुनिए, फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ। उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि सब मुकदसों की दुआओं के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उसका धुआं फरिश्ता के हाथ से मुकदसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया। और फरिश्ता ने वो ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी हुई जमीन पर डाल दी, और गिरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई और भूचाल आया। एक और सुनिए बात, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 5। पहली बात आपने देखी कि जो मुकदसीन की दुआएं हैं, दीज प्रेयर आर वेरी वेरी वाइटल एंड प्रेशियस एंड इंपॉर्टेंट। जब आप दुआ करते हैं, अभी इसके बारे में और भी आपसे बात करता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इन बातों को सुनिए पहले। वर्स 7, रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 7, उसने आकर तख्त पर बैठे हुए के दाहिने हाथ से उस किताब को ले लिया। जब उसने किताब ले ली तो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बरा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊंट से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकदसों की दुआएं हैं, ये मुकदसों की दुआएं हैं। गॉड इज प्रिजर्विंग योर प्रेयर। खुदा आपकी जो दुआएं हैं, जो
जो आपके मुनाजात हैं, जो आपके दरख्वास्तें हैं, वो बहुत कीमती हैं, बहुत अहम हैं, और वो खुदा के तक पहुंचती हैं। खुदा उनको सुनता और जवाब देता है। सो जब भी आप दुआ करते हैं, बिल्कुल इसको सीखने की जरूरत है। व्हाट इज अ प्रेयर? प्रेयर इज अ कम्युनिकेशन। आप बात करते हैं। आजकल बहुत जो है फास्ट जो और बड़ी मैं सोचता हूँ डेवलपमेंट हो गई है, जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं, ये बात याद रखें कि जब आप फोन पे बात करते हैं, जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करते हैं ये रिकॉर्ड होती हैं। ये तमाम बातें जो रिकॉर्ड हो रही हैं, और हार्ड ड्राइव इसको कहा जाता है, उसमें ये सब चक्कू चला जाता है। अब आप कहेंगे इसका दुआओं के साथ क्या ताल्लुक है जी, इस हार्ड ड्राइव का? देखिए जो ह्यूमन बॉडी है, जरा इस पे गौर कीजिए। हम जो हमारी जो बनावट है, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, बॉडी सोल एंड स्पिरिट, इंसान के जहन की तीन हालतें हैं, कॉन्शियस अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। व्हेन वी आर प्रेइंग टू गॉड कॉन्शियसली, हम शौरी हालत उसको कहा जाता है, उसको कहते हैं। एक होती है गैर शौरी हालत अनकॉन्शियस, एक सबकॉन्शियस होते हैं लाशौरी हालत। व्हेन वी आर प्रेइंग टू गॉड, नाउ वी आर मेडिटेटिंग अपॉन द वर्ड ऑफ गॉड, वी आर कॉन्शियस, हम एक दूसरे को सुन रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। ना तो खुदाओं का कलाम बेतासील लौटता है। व्हेन वी आर प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, व्हेन वी आर शेयरिंग द प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड, ये महफूज हो जाता है। और जब हम दुआ करते हैं, व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद गॉड, ये बातें जब हो रही होती हैं तो ये उस के शौर में चली जाती हैं। ये आपके जहन में एक जो हार्ड ड्राइव है, ठीक है, उस पे सब चीजें जो है ना वो जमा हो जाती हैं। इसलिए आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब लोग किसी जनाजे में जाते हैं, तो चाहे वो उनका अजीज हो या ना हो, वैसे आप किसी के पैरों में चले जाते हैं कि वो आपके बहुत ज्यादा करीब नहीं है, तो भी बहुत सारे लोग हैं वो किसी हादसे को देखकर, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई फ्यूनर हो गया, स्टार्ट क्राइंग, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? उनके तहतुल्ला शऊर में वो बातें होती हैं, सब कॉन्शियस में वो दुख वो तकालीफ होती हैं अपने किसी अजीज को देखकर, उसको याद करके आप रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके बिहाइंड द कर्टन, आपके उस माइंड में वो सारी बातें होती हैं। तो जब आप या मैं दुआ करते हैं, तो वो बातें जो आप खुदावन से करते हैं वो रायगा नहीं जाती, वो महफूज हो जाती हैं, वो खुदावन के हजूर। अभी मैंने मुकाशवा की किताब में आपके लिए पढ़ा कि वो दुआएं वहां पर जमा हो जाती हैं और खुदावन के हजूर लाई जाती है कि देखिए जी, ये आपके बंदा ने, आपकी बंदी ने ये दुआ की थी। तो पहली जो मुश्किल है इन रिलेशन टू आवर प्रेयर, द लैक ऑफ नॉलेज। हमें पता ही नहीं है कि हम किससे दुआ कर रहे हैं। हम खुदा को अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम सोच पता नहीं उसने सुना है कि नहीं सुना। खुदावन का कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, वो सुनता है, वो आपकी दुआ को सुनता है। जब भी आप अपने घुटनों के बल होते हैं, जब भी आप उसकी तरफ हाथ उठाते हैं, वो सुनता है। दूसरी बात, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। ईमान क्या है? अनदेखी चीजों का सबूत है। सो व्हेन वी आर प्रेइंग टू गॉड, वी शुड कीप इन अवर माइंड, दिस शुड बी अ फेथ, ईमान होना चाहिए कि जो कुछ हमने मांगा है वो पाया, क्योंकि खुदावन ने, देखें मत्ती का अंजीली बयान, सर्मन ऑन द माउंट चैप्टर 7 वर्स 7, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटाओ तुम्हारे पास से खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता से मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटा तो सुबह से खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें जानते हो, तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने अच्छी चीजें क्यों ना देगा? इट्स अबाउट द कंपैशन एंड द मर्सी ऑफ गॉड। ये खुदा की शफकत की बात है। बट देयर इज अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग।
उसका एक वक्त है। हम इंसान होते हुए जब हमारे बच्चे हमसे कुछ मांगते हैं, अगर हम उस वक्त अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारे जहन में ये बात रहती है कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मुझसे ये चीज मांगी थी। आई रिमेम्बर व्हेन आई केम टू दिस कंट्री, और अभी मुझे मेरी सैलरी नहीं मिली थी, तो मेरे बेटे ने मुझसे प्ले स्टेशन मांगा। उन दिनों में नया नया प्ले स्टेशन आया था, गेम। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे ये सैलरी मिलेगी, जब मुझे तनख्वाह मिलेगी, तो मैं जरूर आपको लेके दूंगा। तो उसने वो बात मुझसे कर दी, मेरे जहन में थी। और उस सैलरी के विड्रॉ होने में तकरीबन 3 महीने मुझे लग गए, क्योंकि मेरा अभी सारा सिस्टम जो है वो ऑफिस में ठीक नहीं हुआ था। तो जैसे मुझे सैलरी मिली, तो मैंने सबसे पहले अपने वादे को पूरा किया कि मैंने अपने बेटे से ये वादा किया है और मुझे उसको ये प्ले स्टेशन लेके देना है। तो दिस अ टाइमिंग फॉर एवरीथिंग। इसी तरह जब हम इंसान होते हुए अपने बच्चों की जरूरतों को जानते हैं, हमें मालूम होता है कि जी हमारे बच्चे जो है वो हमारा वेट कर रहे होंगे और उनको हमने ये चीज लेके देनी है। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो वाले साहब जब आते थे शाम को जॉब से, तो वो हमेशा हमारे लिए फल लेकर आते थे, कुछ ना कुछ लेकर आते, स्वीट लेकर आते थे, फल लेकर आते थे। और इन दिनों में तो अब तो वो कार्ड सिस्टम चल गया जी, बस सारे सैलरी शुलरी सब जो वो बैंक में चली जाती। उन दिनों में हमें याद है कि मुझे भी जब मैं जॉब करता था तो हमें कैश जो है वो मिलती थी, और बैंक में पैसे उस वक्त नहीं जाते थे और ना ही लोगों का बैंक अकाउंट होता था इतने लोगों का। तो जब अबू को सैलरी मिलती थी तो वो हमें होता था जी आज, अच्छा जी आज ये हमारे लिए मिठाई आएगी, हमारे लिए गिफ्ट होंगे। तो देखिए जब हम इंसान होते हैं, अपने बच्चों से ऐसे प्यार करते हैं, उनकी फिक्र करते हैं, तो हमारा आसमानी बाप जो है वो हमारी किस कदर जो है वो फिक्र करता है, हमसे प्यार करता है। और कहता है वो तुम्हारे मांगने से पहले जानता है, कहता है कि आप ये गैर कौमों की तरह मत सोचें, तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। तो हमें खुदाओं का शुक्र अदा करने की जरूरत है कि वो हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है। अब जब हम खुदावन के इस वादे पर गौर करते हैं, देखिए समटाइम ही सेज नो, समटाइम ही सेज यस। कई दफा खुदावन कहता है प्लीज वेट। 3 बातें जहन में रखिए, हमें ना सुनने के लिए भी तैयार होना चाहिए, हमें ये यकीन होना चाहिए जब वो कहता है हाँ, उसके सारे वादे हाँ में हैं तो वो जरूर करता है। जब हमें कहता है कि बेटा इंतजार करो, तो हमें इंतजार भी करना है। 3 बातें दुआ के वाले से जरूर इनको, अब ये मत सोचें कि अच्छा जी ये खुदा यीशु मसीह ने कह दिया है तो बस अब जो उल्टे फुलटे जो भी वादे हम जो ठीक है जी अब हमारी जो जरूरतें हैं हम उस वादे को जहन में रखते, खुदा तूने कहा था तो कर। नहीं, वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज हमारे लिए बेहतर है, कौन सी नहीं है। जैसे हम जिस्मानी माँ बाप होते हुए अपने बच्चों के बारे में जानते हैं कौन सी चीज उनके लिए बेहतर है, क्या चीज उनको देनी है, क्या नहीं देनी, किस वक्त देनी है। आप एक छोटे बच्चे को आप उसको 1,000 पाउंड नहीं आप पकड़ा सकते, उसकी उसकी अप्रोच क्या है, वो जाएगा चॉकलेट ले लेगा, स्वीट ले लेगा, जाया कर देगा। एक सलीका है मांगे तो पाए, उस सलीके से मांगा करें। खाकसारी, हलीमी, फरोतनी, ईमान के साथ आप खुदा से मांगें। अब प्रॉब्लम यह है कि हम इस बात को याद रखें, यह रोमन चैप्टर 8, रोमन खत उसका 8 बाब, पौलुस कहते हैं जो जिस्मानी और जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। जिस्मानी नीयत मौत है। खुदा कहता है कि तुम मांगते हो तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि बुरी नीयत से मांगते हो। बदी मेरे दिल च जे होवे जरा कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। तो दुआ से पहले जो एक खुदावन ने तरीका बताया है वो क्या है, तब मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सार बनकर दुआ करें, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनकी दुआओं का जवाब दूंगा और अगर उन्होंने गुनाह किए तो उनकी भी माफी हो जाएगी। सो देर इज अ सिस्टम, देर इज अ प्रोसीजर, हमें उसको अडॉप्ट करना है। अब चलते हैं जरा इस बात की तरफ, यूहन्ना कंजीली बयान उसका 15 बाब
उसके साथ आए। यहाँ पर ये जो चैप्टर है बड़ा खूबसूरत है, इसमें जो ताल्लुक पाए जाते हैं वो उसने हमें दोस्त कहा है, नौकर नहीं कहा, और हम उसकी डालियां हैं, वो अंगूर का हकीकी दरख्त है, तो हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। देखिए खुदा ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बात तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहो जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदावन के तीन ऑफिसेज हैं, ही इज अ प्रीस्ट, प्रॉफिट एंड किंग। एज ए प्रीस्ट वो हमारे लिए इंटरसीड करता है। यूहन्ना का पहला खत उसके दूसरे बाब में लिखा है, मेरे बच्चों गुनाह ना करो, लेकिन अगर तुम इस गुनाह करता है तो जानो कि तुम्हारे एक दरमियानी है, यानी यीशु मसीह, जो इंसान भी है और खुदा भी है। तो वो हमारे लिए इंटरसीड करता है, हमारी शिफायत करता है, और यीशु हमारी दुआओं का जवाब देते हैं, क्योंकि उसका ये वादा है। और अब यहां पर हमें दो तीन बातें जो हैं उनको जरूर अपने जहन में रखने की जरूरत है। पहली बात ये है, वी डोंट नीड टू डिक्टेट गॉड। हमें खुदाओं को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, हम्बली हमें दुआ करने की जरूरत है, और दुआ में खुदाओं की मर्जी को जानना बहुत जरूरी है। वी नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। जब हम दुआ करते हैं हमें डिसाइड करने की जरूरत है कि हम किस चीज के लिए दुआ करें। खुदा के साथ आप जब बात करते हैं, आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि आप खुदा से क्या मारे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर प्रेयर, आपकी दुआ का मकसद क्या है। खुदा जरूर सुनता है, लेकिन खुदा का जो मुझे आए खुदाउन आए खुदाउन कहते रहे, सब खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे, तो हमें बड़ा केयरफुली, बड़ी एहतियात के साथ खुदा के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है। सपोज आप अपॉइंटमेंट बनाते हैं, आप कहते हैं मैं बादशाह से मिलना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ, एंड यू डोंट हैव एनी एजेंडा। वो तो जो उसके साथ महासभीन होते हैं, जो उसके कोऑर्डिनेटर होते हैं, वो आपसे जरूर पूछेंगे जी व्हाट इज द पर्पज ऑफ योर विजिट, आप किस लिए मिलना चाहते हैं, क्या पर्पज है आपका। एक प्रोटोकॉल है, एक तरीकाकार है, तो पूछेंगे जी आप किस लिए आए हैं मिलने के लिए, क्या आपका मकसद क्या है। अगर नहीं जी बस वैसे ही आया मैं, तो ऐसे नहीं। एक जोक मुझे याद आ रही है, चलिए थोड़ा सा चिल आउट भी करें, बड़ा सीरियस सब्जेक्ट जा रहा है। एक शख्स ने, वो जॉब ढूंढ रहा था, और उसने उसके दोस्त ने अखबार में पढ़ा कि जॉब है, तो उसने से कहा कि यार ये जॉब है तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। तो उसने देखा, उसने कहा यार मतलब ये तो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। उसने कहा चलो ट्राई करने में क्या हर्ज है, उसने एप्लीकेशन डाल दी। तो उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई, जब वो इंटरव्यू के लिए गया तो वहां पे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मेंबर को बैठे हुए थे, तो ने कहा जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या, कहते वो तो कोई नहीं है, आपका तजर्बा क्या है, तो कहते वो भी कोई नहीं है, जिस जॉब के लिए मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इस जॉब के लिए मेरी क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है। तो एक डायरेक्टर ने बड़े गुस्से से उसे कहा कि जनाब फिर आप आए क्यों हैं, कहते जी मैं तो इसलिए आया था कि मैं आपको ये बता दूं, मेरे आसरे पर ना रहना, अपना बंदोबस्त कर लेना। तो अगर आप दुआ करने बैठे हैं और आप कहते हैं अच्छा जी यार मैंने दुआ करनी है, एंड यू आर नॉट वेरी स्पेसिफिक, आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या दुआ करनी है, तो क्वालिटी टाइम जो है वो बड़ा जरूरी है। खुदा का टाइम बड़ा कीमती है, और मैं आपको बताऊं खुदा बहुत कम बोलता है, खुदा बहुत कम बोलता है। पूरी बाइबल मुकद्दस में आप देखें, इन 66 किताबों में कितनी दफा खुदा बोला है। खुदा जो है वो ये भी चाहता है कि हम खामोश रहें हर ऑल द टाइम, हमें जो है ना ज्यादा बुड़बुड़ाने की भी जरूरत नहीं है, बोलने की भी जरूरत नहीं है, तो क्वालिटी टाइम खुदा उनके साथ बसर करें। लेंथ ऑफ टाइम इज नॉट अ मैटर, कचहरी सुबह लेके शाम तक तो बैठे हैं जी, और वो हमें पता नहीं कि हम एक अच्छा वक्त जो है खुदा उनके साथ कैसे हमने बसर करना है। तो क्वालिटी टाइम, दुआ के लिए विजडम की जरूरत है, यू नीड अ विजडम फॉर प्रेयर। जब आप दुआ भी करें तो उसमें भी हिकमत और दानाई जो है, आप किससे दुआ करें, अब दुआ के जो जो दुआ का जो आप कहें जी मेथड, तो भाई सब बताएं, तो मेथड इज सिंपल, लेकिन दुआ के मुख्तलिफ हिस्से हैं। क्विकली मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, अगर जो मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा जो इससे हट के बात करनी पड़ रही है। दुआ के लिए सबसे पहले आपको खुदा की
हमदो सना करनी है ना, उसकी अजमत का बयान करना है। द सेकेंड पार्ट ऑफ प्रेयर, वी नीड टू गिव थैंक्स टू गॉड, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करना। तीसरी बात जो दुआ में है, इंटरसेशन, यू नीड टू नो सॉरी द थर्ड थिंग इज कन्फेशन, आपको अपने गुनाहों का इकरार करना है, उनको मानना है। एंड द फोर्थ थिंग इज विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू इंटरसीड ऑन द बिहाफ ऑफ अवर ब्रदर एंड सिस्टर, तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। एंड द लास्ट थिंग इज जो कि हमें खुदावंद यीशु के नाम से हमें दुआ मांगने की जरूरत है। तो ये दुआ का एक मैंने आपको शॉर्टकट जो है, तरीकाकार जो है वो बताया है कि पहले खुदा की तारीफ करना, फिर खुदा की शुक्रगुजारी करना, फिर अपने गुनाहों का इकरार करना, उसके बाद फिर हमें लोगों के लिए शिफायत करना, और फिर आखिर में ये दुआ यीशु के नाम से मांगना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं दुआ करना नहीं आती, तो ये मैंने आपको एक छोटा सा मेथड जो है वो बताया है कि ये दुआ का एक तरीकाकार है। अब नाम की बात आ गई, तो यीशु ने जो वादा किया है, यीशु के नाम से जब हम दुआ मांगते हैं, उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और जो कुछ तुम मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। डू यू हैव एनी नॉलेज अबाउट द नेम ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? उसका नाम है अजीम मसीह, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलाम के शहजादा। और फिर जो नाम उनकी पैदाइश से पहले बताया गया कि फरिश्ते ने कहा मरियम और यूसुफ, तुम उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और उसका नाम इमैनुअल है, उसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और यीशु के नाम के बारे में इमाल उसका चार बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को और कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से निजात हो। तो यीशु ने जब ये वादा किया है तो हमें उसके नाम से दुआ मांगने की जरूरत है। आई वॉन्ट टू शेयर टू एविडेंस, टू रेफरेंसेस फ्रॉम द बाइबल। पहला इमाल 9 बाब उसकी 36 आयत से वर्ड 43, एक बड़ा खूबसूरत मुआवजा। देखिए यीशु ने भी जो जैसे मुर्दों को जिंदा किया, यीशु नाम में शागिर्दों ने भी मुर्दों को जिंदा किया। इमाल उसका 9 बाब हम देखते हैं, खुदावन के जो शागिर्द हैं उन्होंने यीशु नाम में कैसे अजीब काम किए। 36 आए, और याफा में एक शागिर्द थी तबीता नाम, जिसका तर्जमा हिरनी है, और बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि बीमार होकर मर गई, और उसे नहला कर बालाखाना में रख दिया। बच्चों के लुदिया याफा के नजदीक था। शागिर्दों ने ये सुनकर के पतरस वहां दो आदमी भेजे उससे दरख्वास्त के हमारे पास आने में देर न कर। पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, जब पहुंचा उसे बालाखाना में ले गए, और सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े हर दिन उनके साथ में रह कर बनाए थे दिखाए दिखाने लगी। पतरस सबको बाहर कर दिया, घुटने टेक कर दुआ की, फिर लाश का मतलब जो करकाए तभी तो उठ, बस उसने आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ पकड़ उसे उठाया और मुकदसों और बेवाओं को बुलाकर उसे जिंदा उनके पास उनके सुपुर्द किया। तो शागिर जो है देखिए, और ये बात सारे याफा मशहूर होगी, बतेरे खुदा पर ईमान ले आए, खुदा उनके नाम में कुदरत और ताकत। उसके शागिर जब यीशु के नाम में दुआ करते तो खुदावन अजीब काम करता। इमाल की किताब में हम एक और जो वाक्य देखते हैं, और बड़ा ही खूबसूरत वाक्य है, खुदा उनके वाकलाओं को देखिए, इमाल उसका 3 बाब, पतरस और योना को हैकल में हम देखते हैं कि जाते हुए वहां पर उनको एक शख्स मिला जो कि भिखारी था, और उसने कुछ मिलने की उम्मीद में उनकी तरफ देखा कि शायद मेरी मदद करेंगे। तो 6 आयत में लिखा है, पतरस ने कहा चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास मुझे दिए देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और हम करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। देयर इज एन पावर इन द नेम ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट।
not only in the first century church, but in the contemporary world. In this 21st century, people are praying in the name of Jesus, और लोग जो है वो शफा पाते हैं, दे आर रिसीविंग देयर हीलिंग. दिस अ पावर इन द नेम ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो हो जाएगा, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं. उसके नाम में ये कुदरत और ताकत है, और उसका ये वादा है खुदा उनका. अजीजो जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदा उनसे मांगते हैं, वी नीड टू रिमेंबर द पावर ऑफ हिज नेम. हमें उसके नाम में दुआ करने की जरूरत है. जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी परेशानी है, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी, आप यीशु नाम में आप दुआ मांगे. इसलिए मैंने कहा कि जब आप दुआ करते हैं और दुआ के आखिर में आपको यीशु के नाम से दुआ मांगने की जरूरत है. थ्रू आउट द वर्ल्ड पीपल दे अंडरस्टैंड एंड दे अंडरस्टैंड एंड दे विल अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आई नो सो मेनी पीपल, आई मेट सो मेनी फ्रेंड्स, क्रिश्चियन एंड नॉन क्रिश्चियन. जब वो आते हैं कहते हैं भाई साहब हमारे लिए दुआ करें, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाई दे आर आस्किंग, बिकॉज दे नो दैट देयर इज अ पावर इन द नेम ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. मैंने बहुत सारे जो पब्लिक मीटिंग्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उनमें देखा है, आई एम आई विटनेस, कि कैसे खुदा के खादम जो हैं वो यीशु के नाम से दुआ करते और लोग जो हैं वो शिफा पाते हैं. इट्स वेरी विजिबल, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है. जैसे कि मैंने बताया कि इन द फर्स्ट सेंचुरी चर्च आफ्टर द रेजरेक्शन एंड द असेंशन ऑफ अवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, पीपल दे वर रिसीविंग सच हीलिंग इन द नेम ऑफ क्राइस्ट. वो उसका वादा जो है वो हम शागिर्दों की जिंदगी में, कलीसिया की जिंदगी में पूरा होता हुआ हम देखते हैं, कि आज भी इस दौर में भी जब यीशु के नाम से लोग मांगते हैं, उस इख्तियार को लेते हैं जो यीशु ने अपने खादमों को दिया है, कि तुम सांपों और बिच्छुओं के सर को कुचलो, बीमारों को शफा दो, मेरे नाम से दुआ मांगो. अजीजो आज तक अगर आपने यीशु नाम से दुआ नहीं मांगी, मैंने देखा कि लोग श्राइन्स पे जाते हैं, मंदिरों बाजारों पे जाते हैं, एंड दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी, दे आर आस्किंग फॉर देम. वो जो मुर्दा हैं उनसे मांगते हैं, जो मर चुके हैं, जो लाश हैं. लाश का मतलब क्या है? लाश है, कोई शय नहीं है. इंसान जब मर जाता है तो वो खाक में चला जाता है, खाक से खाक हो जाता है. उसी से हमें खुदाओं का शुक्र अदा करने की जरूरत है. मैं एक दफा लाहौर से गुजरने वाला आ रहा था सेमिनरी, तो रास्ते में अहले हदीस और अहले सुन्नत जो है उनमें आपस में तकरार शुरू हो गई. एक मकतबा फिक्र जो है वो जो मजार हैं जो उनको नहीं मानते, और एक जो है वो जाते हैं मजार, दाता दरबार है, बाकी जो मजार है वहां पर जाते हैं, दुआ मांगते हैं, वहां पर वो कब्रों को धोते हैं, वहां पर चादरें चढ़ाते हैं, वहां पर देगें पकाते हैं. सो दे आर आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस एंड उनसे दुआ करते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे में भी ये सिलसिला जो है काफी सालों से हम देख रहे हैं, कि जैसे मरियम बाद लोग जाते हैं और कोनियों के बल चल के वहां पर जो कुछ भी होता है, आई हैव सीन दैट, मुझे खुद वहां पे वेंजिज्म का तजर्बा है. तो बहरहाल ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है. मैं भी इसके बारे में बताता हूँ, इंटरेस्टिंग जो करना है. लेकिन जब खुदाओं को हम कहते हैं कि वो हमारा दरमियानी है, तो उसको दरमियानी बनने के लिए कीमत अदा करना पड़ी है. ऐसे ही वो दरमियानी नहीं बन गया. तो मुकस्सा मरियम खुद हमें दुआ करते हुए नजर आती है शागिर्दों के साथ. वो पाक है, वो मुबारक है, लेकिन अजीजों हमें यीशु से मांगने की जरूरत है, यीशु से दुआ करने की जरूरत है. तो खैर जब मैं उसमें वैन में बैठा हुआ था, तो मिडल वाली उसमें सीट में बैठा हुआ था, तो जो लड़के पीछे बैठे हुए थे तो वो किराया नहीं दे रहे थे, तो उसने कनेक्टर ने कहा यार किराया दो, तो वो उसको तंग कर रहे थे बेचारे को. तो
उन्होंने कहा यार दे देते हैं किराया, क्या हो गया। तो वो जो कनेक्टर था उसने उससे से कहा यार आप दाता दरबार से आए हो, आप मांगने वाले हो, मुझे दे नहीं रहे किराया, आप तंग कर रहे। तो उन्होंने लड़कों ने कहा जी वो क्या दे सकता है, वो तो खुद मुर्दा है। तो वो जो बहस शुरू हो गई, लड़ पड़े आपस में। अब मेरी दाढ़ी थी उस वक्त, तो मैं बीच में बैठा हुआ चुप करके सुन रहा था। और एक शख्स ने जो मेरे साथ बैठा उसने कहा जी मौलवी साहब आप भी कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं बता रहे कुछ, आप भी अपने ख्याल का इजहार करें, ये लड़ रहे हैं आपस में। तो मैंने कहा जी मैं पीछे वालों के साथ हूँ। कहते जी क्या मतलब है। मैंने कहा जी मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं भी नहीं मानता इन बातों को कि हम तो जिंदा खुदा के परस्तार हैं और हम यीशु से दुआ करते हैं वो जिंदा है। कहते लो जी एक और कट्टा खोल गया जी। जी तो मैंने फिर उनको यीशु के बारे में गवाही दी कि जी हम तो उनसे मांगते हैं, हमसे दुआ करते हैं। खैर यीशु को इस बात के कहने में और इस बात का दावा करने में कोई मजायका नहीं था, क्योंकि वो खुदा है और वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। और जो भी हमारी समस्या है, जो भी हमारी मुश्किल है, वो उसको हल करने पर कादिर है। आज आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी मुश्किल है, आप उसको खुदा के पास लेकर आए। वो आपकी इस मुश्किल से वाकिफ है, जानता है। सिर्फ वो ही चाहता है कि आप मांगें, आप खटखटाएं, आप ढूंढें, आप पाएंगे, वो आपके लिए खोलेगा। क्योंकि मांगना बड़ा जरूरी है, कहना बड़ा जरूरी है। इफ वी आर नॉट आस्किंग दैट मीन वी आर सो एरोगेंट, वी आर सो स्टर्बन, वी आर रिलाइंग अपॉन आवर ऑन स्ट्रेंथ, आवर नॉलेज, आवर सोर्सेज। अगर आप इस बात को देखें कि खुदावन कैसे हमें मुहैया करता है। एक शख्स किसी बादशाह के पास गया और उसने बादशाह से दरख्वास्त की मेरी ये मुश्किल है, मेरी मदद कीजिए। शाम का टाइम था, बादशाह ने कहा अच्छा चलें सुबह दरबार लगेगा, तो आप दरबार में आना और आपकी समस्या जो हल कर दी जाएगी। वो तो शख्स उसी महल में ठहर गया और वो सुबह सवेरे उठा, उसकी बड़ी मुश्किल थी और वो सोच रहा था यदि मैंने बादशाह से दरख्वास्त करनी है, बादशाह से कहना है कि जी मेरी मदद करें। तो सुबह जब उसने देखा कि जो बादशाह सलामत है, वो घुटनों के बल होके वो खुदा से मांग रहे हैं। वो शख्स जो मदद के लिए गया था, दरख्वास्त के लिए गया था, वो सोचने लगा कि यार ये जो बादशाह है, ये अगर खुदा से मांग सकता है, इसके पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, तो बादशाह है, तो मैं उसके पास क्यों नहीं जा सकता। देखिए वो जो सबको रोजी देता है, सब पर अपना मी बरसाता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। उसकी जो मुहैया करने की कुवत है, ताकत है, उसको हमेशा याद रखें। वो यहोवा यरी है, वो सब कुछ मुहैया करता है। आप इंसानों पे निगाह ना रखें। मलाउन है वो जो इंसान के बाजू पर तौकल करता है, उससे मांगे जो सबको वक्त पर मुहैया करता है। वो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर एक जान को सैर आसूदा करता है। इंसान आपको डिसअपॉइंट कर सकते हैं, मायूस कर सकते हैं, और होता भी है। बैंक आपको मायूस कर सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर आपको मायूस कर सकते हैं, लेकिन खुदावन आपको मायूस नहीं करता। शर्त यह है कि आपकी जो मांगने की एक ख्वाहिश है वो जेन्युइन होनी चाहिए। बुरी नीयत से ना मांगे, अच्छा जी फलां के पास ये चीज है तो मेरे भी दें ताकि उसको मैं दिखाऊं तो सही, जरा है ना, नहीं। और सबसे जरूरी बात है वो ये है, खुदा उनकी आवाज को भी सुने, अपनी ना कहते जाए। हन्ना की मिसाल, पहला सैमुएल उसका पहला बाप, साल ब साल जाती थी, खुदा उनसे दुआ करती थी, और जिस साल खुदा ने उसकी दुआ को सुना, उसने पहले खुदा उनकी आवाज को सुना। खुदा ने कहा तो मेरी जरूरत पूरी कर, मैं तेरी जरूरत पूरी करूंगा। कोई रोया बरमला नहीं होती थी। उसने खुदावन को कहा कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उसे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी। और दूध चढ़ाने के बाद उसने उस बच्चे को लाकर एली काहिन को दे दिया, लीजिए जी ये मैंने मन्नत मानी थी। तो जब आप दुआ करते हैं तो सिर्फ आप ही ना कहते जाएं, खुदा की भी सुने कि खुदा को भी आपकी बात को सुनना है और आपसे अपनी बात कहना है। इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स वन वे। जब कम्युनिकेशन की बात होती है, जब गुफ्तगू की बात होती है, तो दोनों तरफ की होती है। खुदावन की भी सुने, अपनी भी सुनाए, सिर्फ अपनी ही ना कहते जाए। आज वक्त है कि आप अपने आप को खुदावन के चरणों में लाएं, उससे दुआ मांगें
अपने भी कहें और उसकी भी सुने। आइए हम दुआ मांगे। तेरे खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप जिंदा खुदा हो, आप हमारी मिन्नतों को, दरख्वास्तों को सुनते, कबूल करते और जवाब देते हो। हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं इस जिंदा कलाम के लिए, आपके मुंह की बातों के लिए, इन खूबसूरत वादों के लिए जिन पर हमने गौर किया, समझा, सीखा और सिखाया। हम आपसे विनती करते हैं प्यारे खुदावन कि आज आपके लोग, उनकी जो भी समस्याएं हैं, आप उनसे वाकिफ हो, आप हमें ईमान की मजबूती बख्शिए, तहम्मुल और सब्र की अरूरत आ फरमाइए। हम ना सिर्फ अपनी खुशियों में बल्कि अपने दुखों में, अपने गमों में तेरी मर्जी को पूरा करें। जैसे तेरा बंदा पालूस ये कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, अपने दुख में, अपनी मुसीबत में, अपनी तंगी में वो खुदावन आपको धन्यवाद कहता है। काश हम भी अपनी बीमारी में, अपने दुख में, अपने मसाइल में तेरे साथ ही पैवस्त रहें, क्योंकि तो खुदावन हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं। जब तक हम इस बदन में हैं, तेरे हाथ से जला वतन है, दुख सहते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, और तेरा बंदा पालूस ये कहता है कि जरूर हैं बहुत सारी मुसीबतें उठाकर उस जलाल में दाखिल हो। और प्यारे खुदावन, तूने अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जो भी तेरे लोगों की प्यारे खुदावन मुश्किलात हैं, आप उनमें उनकी मदद कीजिए, उनकी रहनुमाई फरमाइए, सारे मसाइल को हल कीजिए, ताकि हम सब ये कह सकें कि यीशु ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। तमाम तरह की मायूसी से बचाइए, हिम्मत ताकत दीजिए, मुस्तकिल मिजाजी दीजिए, ताकि हम लगातार आपसे दुआ करते रहें और आपकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने दें। बड़ी बरकत दीजिए। यीशु के खूबसूरत और कादर नाम में हम सब ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज भी बख्शते, जिससे अपने कसूरों को माफ करते हैं, तुम्हारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, उनके बादशाही कुदरत जला हमेशा तक तेरे है। आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा गर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और आपका साथ देने के लिए। आज हमारे साथ थे जी जमील याकूब साहब और नए लोग जो आए हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। रुखार अयाज से, दुबई से बेटी हमारे साथ है, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। शमीम एडर शमीम हमारे साथ हैं, थैंक यू मैम। और मेरे प्यारे दोस्त भाई लाला लियास जॉन हमारे साथ है, थैंक यू भाई लाला, गॉड ब्लेस यू। मेरी प्यारी बहन रूही जो मेरी मिनिस्ट्री में बहुत बड़ा एसेट और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टेलीविजन रेडियो मिनिस्ट्री में, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। बहन बीना, बहन बीना थैंक यू वेरी मच, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और हमारे साथ है प्रवीण सलीम, हम उनके लिए खुदा का शुक्र, पाकिस्तान से रफीक दीवान साहब हैं, और ये तमाम बहन भाई जो इन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और खुदा से दुआ, खुदा ने इन सबको बड़ी बरकत दे। तो अगर किसका नाम मिस हो गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। तो कल पादरी गिलबर्ट साहब हमारे साथ खुदा का पाक कलाम बांटेंगे। आई एम सो एक्साइटेड एंड आई बिलीव यू आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। तो पादरी गिलबर्ट साहब थैंक यू आपका। तो कल मुलाकात होगी 9 बजे, तब तक के लिए पादरी नोबल को इजाजत दीजिए, खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय।